वर्गीकरण के अंतर्गत हम यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग, पूर्व में हम उद्योग के संबंध में चर्चा कर चुके हैं, उद्योग किसे कहते हैं, इसके अगले चैप्टर के अंतर्गत वाणिज्य क्या है इसको हम जानेंगे। सामान्य तौर पर वाणिज्य जो है शब्द व्यापार का एक विस्तृत और बृहद शब्द है जिसे हम व्यापार के रूप में से लिया जाता है, परंतु ये व्यापार से बहुत कहीं अधिक ज़्यादा व्यापक होता है। व्यापार में हम वस्तुओं के क्रय विक्रय को सामान्य तौर पर व्यापार कहते हैं, लेकिन जब बृहद स्तर पर व्यापार के साथ और भी सहायक क्रियाएं उसकी जुड़ जाती हैं तो वो वाणिज्य का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वाणिज्य में दो प्रकार की क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं, पहली है व्यापार और दूसरी है व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्रियाएं आपसी विनिमय के अंतर्गत माल के क्रय विक्रय के अंतर्गत की जाती हैं उन्हें हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। अर्थात परस्पर लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का जो क्रय विक्रय किया जाता है वो व्यापार कहलाता है, तथा जो क्रियाएँ व्यापार के करने में सहायक होती हैं अर्थात व्यापार के स्वरूप को वो व्यापक बनाती हैं वे उसकी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। ये सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे परिवहन है, बीमा है, बैंकिंग है, भंडारण है, विज्ञापन और संचार के साधन। अब हम देखेंगे वस्तुओं का उत्पादन उपभोग के लिए होता है, अतः उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाने की आवश्यकता होती है। चूँकि वाणिज्य ही वह साधन है जो ये कार्य करता है, दूसरे शब्दों में वाणिज्य उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। आज के समय में जबकि उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, बाजार का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत ही नहीं वरन जटिल भी हो गया है, ऐसे में वाणिज्य का महत्व तो बढ़ गया है। अतः वे सभी क्रियाएं वाणिज्य में सम्मिलित होती हैं जो उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को सुगम बनाए रहती है। अर्थात जो वस्तुएं उत्पादक से लेकर उपभोक्ता के पास किस प्रकार से पहुँचती हैं, इस संबंध में जो सेवाएं हैं उनको ये प्रवाह को सुगम बनाए रहती है। थॉमस ने परिभाषा दी है, वाणिज्यिक धंधे माल के क्रय तथा विक्रय, वस्तुओं के विनिमय तथा तैयार उत्पाद के वितरण से संबंधित है। वाणिज्यिक जो धंधा है, जो बिजनेस है, वो माल के क्रय विक्रय से है, वस्तुओं के परस्पर विनिमय से है, तथा तैयार उत्पाद का जो वितरण है उससे संबंधित है। इस प्रकार से व्यापार का संबंध या मूर्ख हो क्यों भैया, तामिया जी रिकॉर्डिंग चल रही, आवाज दे दिया, आवाज नहीं। वाणिज्यिक धंधे माल के क्रय तथा विक्रय, वस्तुओं के विनिमय तथा तैयार उत्पादों के वितरण से संबंधित होता है। अर्थात जो बिजनेस है उसके अंतर्गत माल का क्रय विक्रय, जिसके तहत वस्तुओं का विनिमय और जो तैयार उत्पाद है वो उसके उपभोक्ता तक के पहुंचने से वितरण से संबंधित है। इस प्रकार से वाणिज्य का संबंध उन तमाम प्रक्रियाओं से है जो वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय में व्यक्तियों, स्थान तथा समस्या, समय की समस्या को दूर करता है। यहाँ पर व्यक्ति व्यापार स्थान की समस्याओं को दूर करता है। अब यहाँ हम देखेंगे वाणिज्य के कार्य कौन कौन से हैं। वाणिज्य में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य आने वाली बाधाओं को दूर करने का कार्य करता है। वाणिज्य का प्रमुख कार्य निम्न बाधाओं को दूर करना है। तो यहाँ पर व्यापार के अंतर्गत जो माल तैयार होता है उत्पादक के पास से उपभोक्ता के पास पहुँचने तक जो बाधाएं सामने हैं उन बाधाओं को वाणिज्य प्रमुख रूप से दूर करता है, यही वाणिज्य के कार्य कहलाते हैं। तो पहला जैसे हम देखेंगे यहाँ व्यक्तियों की बाधाओं को दूर करना, उत्पादकों की मूल समस्या उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं
को उचित कीमत पर क्रय करने वाले व्यक्तियों को ढूंढने की समस्या होती है। तो यहाँ पर जो है उत्पादित वस्तु के लिए क्रय करने वाले व्यक्तियों को ढूंढने की उत्पादक मदद करता है, अर्थात उत्पादक व उपभोक्ता के बीच व्यापार के संबंध में स्थापित करने में मदद करता है। तो ये पहली जो कार्य है व्यक्ति की बाधा दूर करना, दूसरा है विनिमय संबंधी बाधाएं, क्योंकि क्रेता और विक्रेता के बीच दूरी अधिक होती है, सौदा होते ही भुगतान आवश्यक होता है, यहाँ उत्पादक विक्रेता तत्काल में भुगतान चाहता है तो वहीं क्रेता अपने घर से भुगतान करना चाहता है। तो यहाँ जो विनिमय की बाधा है, भुगतान की बाधा है, वो बीमा बैंक के द्वारा जो है ये विनिमय की बाधा दूर होती है। तीसरी जो बाधा आती है स्थान संबंधी बाधा। स्थान संबंधी बाधा से तात्पर्य यहाँ पर कि उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुँचने की स्थान, यहाँ पर दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले परिवहन की भूमिका होती है। जलमार्ग, वायुमार्ग, सड़क मार्ग तथा परिवहन के साधन रेल, मालवाहक गाड़ी, मालवाहक विमान व जहाज के स्थान माध्यम से स्थान संबंधी बाधाओं को दूर किया जाता है। साथ ही यहाँ पर माल को सुरक्षित रखने के लिए पैकिंग की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये स्थान संबंधी बाधाओं को दूर करता है। वहीं जोखिम की बाधा, जब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं तो अनेक प्रकार की जोखिम की संभावना होती है। माल के चोरी जाने की संभावना होती है, कभी आग लग जाए या कोई दुर्घटना हो जाए या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो जाए, इससे माल के नष्ट होने की संभावना होती है, जिससे उत्पादक को नुकसान होता है। तो इस नुकसान की भरपाई जो है बीमा के द्वारा पूरी की जा सकती है। तो ये वाणिज्य का कार्य है बीमा के द्वारा जो है जोखिम की बाधा को दूर करना। फिर समय की बाधा है, माल को उत्पादित करके उत्पादनकर्ता अपने पास रखा रहता है, आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता के पास समय पर वो माल को पहुंचाता है। तो माल को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह की आवश्यकता होती है, वस्तुओं को संग्रहण करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर समय संबंधी जो बाधा है भंडार गृह के माध्यम से दूर होती है। अंत में सूचना संबंधी बाधा, उचित प्रकार से हम सूचना तंत्र विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को उत्पादन की अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और उनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहाँ पर जो है उपभोक्ताओं को सूचना संबंधी जो बाधा है वो यहाँ पर विज्ञापन के माध्यम से दूर होती है। तो ये है वाणिज्य के कार्य। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यापार, व्यापार क्या है। व्यापार जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय को हम व्यापार कहते हैं। यहाँ क्रेता और विक्रेता के बीच परस्पर विनिमय लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो यहाँ पर क्रेता और विक्रेता के बीच विनिमय होता है जिससे दोनों को परस्पर लाभ होता है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि विनिमय जो हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली वैधानिक होना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे व्यापार की विशेषता। पहली विशेषता, लाभ प्राप्ति का उद्देश्य। व्यापार जब भी किया जाता है लाभ प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता, लाभ प्राप्ति का उद्देश्य। तो व्यापार तभी कहलाता है जब उसमें लाभ सम्मिलित हो। जो भी वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है वो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। तो जब तक व्यापार में लाभ नहीं होगा वो लाभ व्यापार नहीं कहलाएगा। दूसरा है क्रय विक्रय की वैधानिकता। व्यापार में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से वैधानिक होना चाहिए। तीसरी विशेषता है माल एवं सेवाओं दोनों का क्रय विक्रय। जो भी माल या सेवाओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है उन दोनों का क्रय विक्रय यहाँ पर हो सकता है। और चौथा है वस्तुएं या सेवाएं अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का लक्ष्य। व्यापार का जो उद्देश्य है वो क्या है, जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं वो अंतिम उपभोक्ता तक प्राप्त हो, उस तक पहुंचे। तो ये थी विशेषता है। अब हम यहाँ देखेंगे व्यापार के प्रकार। यहाँ ध्यान दें आप कि व्यापार को जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। पहला कहलाता है आंतरिक व्यापार और दूसरा कहलाता है विदेशी व्यापार। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि आंतरिक व्यापार क्या होता है। आंतरिक मतलब एक देश की सीमा के अंदर किया जाने वाला व्यापार।
तो वो व्यापार जो देश की सीमा के अंदर किया जाता है इसे देशी या घरेलू व्यापार भी कहा जाता है। आंतरिक व्यापार को यहां पर हमने पुनः दो भागों में बांटा है, पहला है मात्रा के अनुसार और दूसरा है क्षेत्र के अनुसार। तो यहां पर मात्रा के अनुसार हम देखते हैं, मात्रा के अनुसार जो है पुनः व्यापार को दो भागों में बांटा है, पहला है थोक व्यापार और दूसरा फुटकर व्यापार। इस प्रकार के व्यापार से आप परिचित होंगे, थोक और फुटकर। तो थोक व्यापार सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि जब व्यापारी इकट्ठी मात्रा में माल को खरीदता है और उसको फुटकर व्यापारी को बेचता है तो वो थोक व्यापार कहलाता है। इसमें थोक व्यापारी उत्पादनकर्ता से इकट्ठा माल लेता है और फुटकर व्यापारी को बेचता है। दूसरा जो इसका प्रकार है फुटकर व्यापार, यहाँ पर फुटकर व्यापारी जो है व्यापार वो थोक व्यापारी से माल को इकट्ठा प्राप्त करता है, उसके बाद उसकी छोटी छोटी इकाइयों में उसको बांटता है और फिर उसको फुटकर उपभोक्ताओं को बेचता है। एक फुटकर व्यापारी जो है सामान्यतः थोक व्यापारी से माल क्रय करता है और यदि कोई दशाएं विभिन्न आती हैं तो सीधे उत्पादनकर्ता से भी माल प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो उसको फुटकर फुटकर करके उपभोक्ताओं को बेचता है। तो ये फुटकर व्यापार। तो यहाँ मात्रा के अनुसार दो प्रकार हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। अब आंतरिक व्यापार को ही जो क्षेत्र के अनुसार बांटा है, तीन प्रकार के व्यापार में बांटा है, स्थानीय व्यापार, प्रांतीय व्यापार और अंतर प्रांतीय व्यापार। स्थानीय क्या होता है ये हम देखें यहाँ पर। स्थानीय व्यापार जो है जो किसी नगर शहर या गांव तक सीमित या मोहल्ले तक सीमित होता है, इसमें क्रेता विक्रेता जो है एक ही क्षेत्र के होते हैं। जैसे छोटी छोटी वस्तुओं के जो व्यापार होते हैं, दूध दही फल सब्जी, ये स्थानीय लोकल बाजार कहलाते हैं। दूसरा जो प्रांतीय व्यापार है, एक प्रदेश के भीतर होने वाला व्यापार जो है वो प्रांतीय व्यापार कहलाता है। जैसे मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर जो विभिन्न जिलों के बीच में व्यापार हो रहा है वो प्रांतीय व्यापार कहलाएगा। यहाँ उत्पादन का क्रय विक्रय उसी प्रदेश के अंदर, एक ही प्रदेश के अंदर होता है। तीसरा है अंतर प्रांतीय व्यापार। अंतर प्रांतीय मतलब दो प्रांतों के बीच में या एक देश के अंदर, संपूर्ण देश के अंदर कहीं भी किसी भी प्रदेश के बीच में आपस में व्यापार अंतर प्रांतीय व्यापार कहलाता है। जैसे मध्य प्रदेश का व्यापारी यदि उत्तर प्रदेश के व्यापारी से माल खरीदता है बेचता है, या कश्मीर का व्यापारी कन्याकुमारी के व्यापारी से माल खरीदता बेचता है, तो ये अंतर प्रांतीय व्यापार कहलाएगा। तो यहाँ पर दो आंतरिक व्यापारों को दो भागों में बांटा था, मात्रा के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार। मात्रा में थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, क्षेत्र में स्थानीय, प्रांतीय और अंतर प्रांतीय। अब जो दूसरा प्रकार है व्यापार का वो है विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार जैसा हम जानते हैं कि दो देशों के बीच होने वाला जो व्यापार है वो विदेशी व्यापार कहलाता है। इसमें इस देश की सीमा के भीतर होने वाला व्यापार जो है आंतरिक है, और जब हम एक देश की सीमा के बाहर व्यापार करते हैं तो वो विदेशी व्यापार हो जाता है। यहाँ पर भौगोलिक बाधा, मुद्रा चलन आदि के हम देखेंगे व्यापार की सहायक क्रिया। अभी हमने व्यापार के बारे में जाना क्या है व्यापार, अब यहाँ देखेंगे हम कि व्यापार को विस्तृत रूप प्रदान करने वाली जो क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं व्यापार की, वो कौन कौन सी हैं या उसके सहायक अंग कौन कौन से। पहला जो है परिवहन एवं संचार। तो विभिन्न परिवहन के साधन रेल, सड़क, जल, वायु द्वारा ही माल जो है विश्व के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचने में सुगमता होती है। जैसे डाक, तार, टेलीफोन, टेलेक्स, इंटरनेट आदि संचार सेवाएं व्यापार करने में बहुत सहायता पहुंचाती हैं। इनके माध्यम से कम समय में सस्ती दर पर सूचनाएं और संवाद एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं और व्यापारिक लेन देन आसानी से हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परिवहन और संचार के ये जो साधन है ये व्यापार को एक विस्तृत रूप प्रदान करते हैं, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में मदद करते हैं, संपर्क करने में मदद करते हैं। दूसरा जो सहायक क्रिया है वो है बैंकिंग एवं वित्त। किसी भी व्यापार व्यवसाय का जो वित्त है वो उसका क्या कहलाता है, जीवन रक्त कहलाता है। यदि वित्त धन नहीं होगा तो व्यवसाय करना संभव नहीं है। तो यहाँ हम देखें कि वित्त के बिना व्यवसाय संचालन संभव नहीं है। बैंक हो गए, विनियोग कंपनियाँ हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, ये अनेक प्रकार से व्यापारिक लेन देन को में यहाँ पर
मदद करती हैं, व्यापार को वित्त प्रदान करने में सहायता प्रदान करती हैं। तीसरे जो क्रिया है वो है बीमा। बीमा सामान्य तौर पर क्या करती है, ये जोखिम को कम करती है। व्यापार में भवन, मशीनरी, फर्नीचर, उत्पादित माल आदि को अनेक प्रकार की जोखिम होती हैं। ये चोरी, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक प्रकोप आदि से संबंधित हो सकती है। अतः बीमा द्वारा इन जोखिमों से सुरक्षा हो जाती है। तो यह है बीमा। वहीं हम देखते हैं भंडारण। भंडारण क्या है, माल को जहां पर हम सुरक्षित एक स्थान पर रख सकते हैं। तो चूंकि उपभोक्ताओं की मांग जो है समय समय पर बदल जाती है, इसलिए वस्तु का भंडारण आवश्यकता होती है। तो मांग को पूरा करने के लिए मांग के अनुरूप वस्तु की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। अतः भंडारण जो है व्यवसायियों को इस समस्या को हल करने में मदद करता है। इससे वस्तु की कीमतों में भी अत्यधिक उतार चढ़ाव नहीं होते। तो ये भंडार गृह या गोदाम गृह। अगली जो सेवा है वो है विज्ञापन। विज्ञापन जो है वो प्रचार प्रसार का काम करता है। तो वर्तमान का बाजार जो है बहुत व्यापक और जटिल है। प्रत्येक उत्पाद के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ता के लिए संभव नहीं होता। अतः वस्तुओं की संपूर्ण जानकारी हेतु विज्ञापन आवश्यक है। विज्ञापन उपभोक्ता सृजन में मदद करते हैं। प्रभावशाली विज्ञापन के नए तरीके व विशिष्ट व्यक्ति तथा संस्थाएं इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये हैं व्यापार की सहायक क्रियाएं। यहां हम देखेंगे व्यापार वाणिज्य उद्योग में अंतर। व्यापार क्या है, वाणिज्य क्या है, उद्योग क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है। तो व्यापार क्या है, वास्तव में वस्तुओं का क्रय विक्रय है। वाणिज्य जो है क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में ये सहायक होती है। परिवहन, बीमा, संचार, विज्ञापन जो भी हमने पढ़ी ये वाणिज्यिक में के अंतर्गत आती है। फिर उद्योग। उद्योग का आशय क्या है, जो माल है उसका रूप परिवर्तित करके उन्हें उपभोग के योग्य बनाना। फिर व्यापार का क्षेत्र की बात करें हम, तो व्यापार का क्षेत्र छोटा होता है, संकुचित होता है। इसमें आंतरिक एवं विदेशी व्यापार को सम्मिलित किया जाता है, जबकि वाणिज्य का क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है। इसमें बैंक, बीमा, परिवहन, भंडारण आदि सम्मिलित है। वहीं उद्योग का क्षेत्र और अत्यधिक विस्तृत है, क्योंकि इसमें विभिन्न औद्योगिक क्रियाएं जैसे निष्कर्षण उद्योग, निर्माणी उद्योग, रचनात्मक उद्योग आदि विभिन्न प्रकार के उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। विनियोग की बात करें तो व्यापार में कम पूंजी से व्यापार को प्रारंभ किया जा सकता है, उसको संचालित किया जा सकता है। वहीं वाणिज्य, इसमें हमें अधिक पूंजी लगती है और इसके लिए स्थायी पूंजी की कम तथा कार्यशील पूंजी अधिक आवश्यकता होती है। वहीं उद्योग में सर्वाधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़ी बड़ी मशीनरी, प्लांट, कारखाना बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में पूंजी लगती है। तो यहाँ स्थायी तथा परिवर्तनशील दोनों के लिए हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर जोखिम। व्यापार में अपेक्षाकृत जोखिम कम होता है। फिर वाणिज्य में भी अपेक्षाकृत कम जोखिम होते हैं, इसके कारण व्यापारिक सेवाओं का निरंतर बने रहना है। फिर उद्योग में अधिक जोखिम होता है, अनेक उद्योग हैं कि व्यापार का आधार जो है वो है वाणिज्य है। और वाणिज्य का देखें हम तो वाणिज्य का आधार जो है उद्योग तथा पेशा है। वहीं उद्योग जो है इसका आधार आधुनिक व्यवसाय है, जिसमें व्यापार और वाणिज्य सभी सम्मिलित हैं। फिर पूंजी पर प्रतिफल। व्यापार के अंतर्गत हम देखें तो इसमें विनियोग के अनुसार अपेक्षाकृत कम प्रतिफल मिलता है। जो व्यापार में विनियोग किया जाता है उसमें प्रतिफल कम प्राप्त होता है, जबकि वाणिज्य में विनियोग पर कम प्रतिफल की प्राप्ति होती है। वहीं उद्योग में विनियोजित पूंजी पर सर्वाधिक प्रतिफल की प्राप्ति होती है। सबसे अधिक जो पूंजी पर प्रतिफल प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, वो उद्योग में होता है। वहीं कार्य स्थान की बात करें हम तो व्यापार में व्यापार क्रियाएं बाजार में संपन्न होती हैं, जबकि वाणिज्य में जो क्रियाएं हैं इसमें वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होती है। वहीं उद्योग एक निश्चित स्थान पर स्थापित होते हैं, यह प्लांट या फैक्ट्री के रूप में हो सकता है। यहाँ कुछ प्रश्न हम देखेंगे इस व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत, जिनको हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं उद्योग के संबंध में, उसके प्रश्न यहाँ पर हैं। उद्योग का अर्थ एवं इसकी विशेषताएं बताइए। दूसरा, उद्योग का अर्थ इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए।
तीसरा उद्योगों का महत्व तो समझाइए, और अभी जो हमने समझा उसमें वाणिज्य से आशय, उसके कार्यों की व्याख्या, व्यापार का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं, व्यापार का अर्थ एवं उसके प्रकारों को समझाइए, व्यापार के सहायक क्रियाओं की विवेचना कीजिए, व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग का संबंध समझाइए, यदि व्यापार वाणिज्य का भाग है तो उद्योग इसका आधार है समझाइए, और वाणिज्य एवं उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए, और अंतिम जो है व्यापार एवं उद्योग में 5 अंतर बताइए। यहाँ पर आप जो है कंबाइंड रूप से व्यापार वाणिज्य उद्योग में अंतर को आप स्पष्ट रूप से तीनों को एक साथ लिख सकते हैं।